आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे आज एमपी की कुछ अहम खबरों पर। बात करते हैं कोरोना की, तो इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 9 नए केस मिले हैं। इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 20 हो चुकी है। माना जा रहा है कि सभी नए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री हो सकती है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम मरीजों को कोविड केयर सेंटर में एडमिट करवाने की तैयारी में है। वहीं CMHO डॉक्टर BS सेतिया के मुताबिक जो 9 मरीज पॉजिटिव मिले हैं वो 4 सपना संगीता रोड क्षेत्र के हैं, 4 निपानिया क्षेत्र के तुलसी नगर, अपोलो DB सिटी बॉम्बे हॉस्पिटल से 4 तथा 1 विनायक कॉलोनी क्षेत्र से हैं। इन मरीजों के घरों पर टीम रवाना हो चुकी है जो उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और ट्रैवल हिस्ट्री खंगालेगी। सभी को कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित CET 2021 की सेकेंड काउंसलिंग मंगलवार से शुरू होने जा रही है। इसे लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर और ऑडिटोरियम EMRC कैंपस में यह काउंसलिंग प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू होगी। हालांकि विद्यार्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे से रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ काउंसलिंग में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। दुष्कर्म के मामले में 6 महीने से ज़्यादा समय से फरार चल रहे उज्जैन के बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे को करण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उज्जैन के मक्सी के पास से मंगलवार को सुबह करण को पकड़ा है। पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। वहीं करण पर 23 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का केस दर्ज था। युवती के मुताबिक करण ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया था, उसके बाद रेप को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तारी में देरी होने पर 6 दिन पहले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि 2 दिन में हाजिर हो जाए, नहीं तो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि मध्य प्रदेश में यह नज़ीर बन जाएगा। गृह मंत्री के आदेश के बाद इंदौर IG ने इनाम की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी थी। कुछ दिन पहले ही इंदौर पुलिस ने करण के भाई शिवम को पुलिस से पूछताछ के लिए इंदौर लेकर आई थी, लेकिन पुलिस को कोई ठोस जानकारी वहाँ से नहीं मिली थी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि मैंने दिवाली से पहले गिरफ्तारी की बात कही थी, कल से लगातार 2 से 3 स्थानों पर दबिश दी गई, आखिर करण मोरवाल को मक्सी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्राम उदयनगर, किलोद, काटाफोड़ और सतना में चुनावी जनसभा और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं श्री चौहान दोपहर 12 बजे उदयनगर जिला देवास में स्थानीय कार्यक्रम एवं जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उसके बाद दोपहर करीब 1 बजे किलोद जिला खंडवा में स्थानीय कार्यक्रम एवं जनसभा को शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 2:30 बजे काटाफोड़ में स्थानीय कार्यक्रम एवं जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही शाम 5 बजे रैगांव विधानसभा सतना में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और रात्रि में विश्राम करेंगे। ये थी कुछ अहम खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहे एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल एमपी न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।